I am continuing types of nouns for all of you. Basics of English grammar के title में हम ये आज फिर video lecture 2 लेके आया हूँ. This is stream number 2 और we are beginning. हम शुरू कर रहे हैं nouns, continue कर रहे हैं rather I should say. कल हमने nouns की type कराई थी आपको, types of nouns. आज हम further discussion continue कर रहे हैं. नाउन्स हैव फर्दर क्लासिफिकेशन. 4 टाइप्स के नाउन हमने लिए थे आप सबके लिए. प्रॉपर नाउन लिए थे, प्रॉपर नाउन, और फिर लिए थे हमने देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड देन कलेक्टिव नाउन. 4 तरह के नाउन्स लिए थे हमने. हालांकि लोग कॉमन में से ही निकाल लेते हैं मटीरियल नाउन वगैरह वगैरह, तो उनकी जगह हमने टोटल 4 टाइप्स में इनको डिस्कस किया था. तो आज आगे लेके चलते हैं फर्दर. नाउन्स के और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वी कैन हैव सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स. सिंगुलर में अ बॉय, अ गर्ल. प्लूरल नाउन क्या होता है, बॉयज, गर्ल्स, बॉय का बॉयज होता है. तो ये भी नाउन को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं. ऑन जेंडर बेसिस पे भी हम नाउन्स को मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में डिवाइड करते हैं. बॉय का गर्ल होता है फेमिनिन जेंडर. तो इस तरह से यहां तक हमने ये बात करी. अब आपको पिकअप करना है नाउन. एक्सरसाइज है आपको नाउन्स बताने हैं कौन कौन से. अगर आप उसकी टाइप बता दो तो बहुत अच्छा है. आवर क्रिकेट टीम शुड नॉट प्ले फॉर द क्राउड. इसमें से आपको नाउन्स छांटने हैं. यस, आवर क्रिकेट टीम शुड नॉट प्ले फॉर द क्राउड. इसमें नाउन कौन कौन से हैं वो बताने हैं आपको. तो टीम नाउन है, टीम कलेक्ट, इसमें ग्रुप होता है तो ये कलेक्टिव नाउन है. क्राउड भी नाउन है, ये भी क्राउड भी ग्रुप होता है, कलेक्टिव नाउन है. बहुत से बच्चे क्रिकेट को भी नाउन कहेंगे, बट दिस इज एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव बन चुका है यहाँ पे बिकॉज नाउन से पहले आ चुका है. जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, जब दो नाउन इकट्ठा होते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, तो सेकंड वाला नाउन होता है और ये क्वालिफायर या मॉडिफायर हो जाता है. दिस इज एडजेक्टिव, मॉडिफाई कर रहा है मीनिंग को, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है. तो यहाँ पे क्रिकेट इज ए मॉडिफायर ऑफ टीम. टीम प्योर नाउन है. ये आपका वर्ब है सारा, शुड नॉट प्ले, राइट. ये फॉर प्रपोजिशन है, ये आर्टिकल है, ये तो बाद की बात है. फिलहाल आप नाउन चेक कर रहे हैं, टीम और क्राउड. ऑलवेज बिलीव इन ट्रूथ. बिलीव वर्ब है आपका और ट्रूथ इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. व्हाई डोंट यू अटेंड योर क्लास रेगुलरली. क्लास इसका नाउन है, क्लास कलेक्टिव नाउन है क्योंकि समूह है, ग्रुप है. ही इज अ लेक्चरर इन फिजिक्स. फिजिक्स लेक्चरर कॉमन नाउन है. फिजिक्स ये प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट का नाम है. द कमिटी विल डिसाइड द केस. केस कॉमन नाउन है और कमिटी भी ये कलेक्टिव नाउन है. कमेटी में मेंबर्स आते हैं, ये रब कर देता हूं मैं. और सिक्स्थ है हमारा, ही वाज रिवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, राइट. तो ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें और कोई नाउन नहीं है. सेवंथ में देखिए, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस. बताइए, चेक करिए, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, इसमें क्या नाउन है. नंबर वन पे फेलियर्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. स्टोन्स है, स्टोन कॉमन नाउन है, वैसे सभी स्टोन स्टोन होते हैं. सक्सेस भी नाउन है, तो इसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं फेलियर्स को और स्टोन्स को और सक्सेस को. चैरिटी बिगिंस एट होम. होम कॉमन नाउन है, चैरिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आई लव टू रिमेंबर द डेज ऑफ माई चाइल्डहुड. चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डेज ये कॉमन नाउन है. डे डे होता है, नेम ऑफ डेज होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, ये दीज आर प्रॉपर नाउन्स. कलर्स के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं. होप सस्टेन्स लाइफ. होप, होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट, ये भी नाउन है. अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन. नाउन्स की कुछ खासियत होती है, जैसे नाउन्स कैन बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. दो तरह के नाउन, नंबर के बेसिस पे आप सिंगुलर और प्लूरल होते हैं. जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं वो तो काउंटेबल में ही आते हैं. जिनको आप गिनती नहीं कर सकते, जिनकी 1 2 3 में, वो अनकाउंटेबल होते हैं.
उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, और ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। नाउन्स कैन बी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, तो ये मैंने पहले बताया था कि फेमिनिन जेंडर हो सकता है, मैस्कुलिन जेंडर हो सकता है, जैसे अ बॉय ये मैस्कुलिन है और अ गर्ल ये फेमिनिन है। नाउन्स कैन बी द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, और नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट हो सकते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं टू ए वर्ब, यहाँ कहिए टू ए वर्ब, ठीक है, इतने बहुत है। वर्ब के सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। नाउन्स कैन बी काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये हो चुका है, जैसे चेयर, बुक, रूपी, कार, बेंच। अनकाउंटेबल में एंगर, ऑनेस्टी, जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन टाइप हैं ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल लेते हैं कुछ ऑप्शन, ये टिपिकल है। वुमन का वीमन होता है, यहाँ पे चेंज कर दो तो इसे वुमन पढ़ा जाता है, वुमन, एंड दिस इज प्रोनाउंस्ड एज वीमिन, और ये मैन, दिस मैन, 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 जेंटलमैन, मन बोला जाता है, जेंटलमैन, जेंटलमैन, ये प्लूरल है। बॉय, गर्ल, ये मैस्कुलिन जेंडर, मैन, वुमन, ऑक्स, काउ, कॉक, हैन, राइट। अब नाउन्स कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, वर्ब के ही होते हैं, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और सब्जेक्ट के भी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट के भी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, वर्ब के भी होते हैं, सब्जेक्ट के भी कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। दिस बॉय इज वेरी स्वीट, राइट, तो इसमें सब्जेक्ट बता रहे हैं पहले हम, दिस बॉय, दे, माई एल्डर ब्रदर, ये सब्जेक्ट है वर्ब के, इनके ये वर्ब फ्रेज है और ये वर्ब है। इसमें रियल सब्जेक्ट तो ये होता है, पूरा सब्जेक्ट पूरा ही माना जाता है, डिटर्मिनर्स के साथ जो क्वालिफायर्स हैं, एडजेक्टिव, ये नहीं कहिए कि ये बॉय सब्जेक्ट है इसका, रियल तो है बट पूरा पढ़ेंगे आप, दिस बॉय, दे, माय एल्डर ब्रदर, सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का होता है, कई शब्दों का हो सकता है, पूरी क्लोज सब्जेक्ट हो सकती है। तो दिस इसका डिटर्मिनर था, क्वालिफायर था, माई एल्डर ये भी मॉडिफायर है, और ये रियल सब्जेक्ट इसमें दे और ये बॉय और ब्रदर। नाउन ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, ही हैज हेल्प्ड मी, ये ऑब्जेक्ट है, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, व्हाट का जवाब दे रहे हैं, ही हैज हेल्प्ड, हेल्प की, किसकी की, मी की, राइटिंग, आई एम राइटिंग व्हाट, अ लेटर, व्हाट से और हुम से आप इनके ऑब्जेक्ट छांट सकते हो। ही गेव मी व्हाट, अ बुक, He gave me to whom, me, तो डबल ऑब्जेक्ट थे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो क्या का जवाब देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आई नीड योर हेल्प, आई नीड वट, योर हेल्प, ये पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिंगल है तो डायरेक्ट ही होता है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये डिटर्मिनर इनके साथ लगे हुए। नाउन्स एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, सी कौन है, टीचर है, टीचर कौन है, सी, तो ये आमतौर पे इज एम आर वाज वर के बाद ही आते हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। लाइफ इज व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू थिंक, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। माय फ्रेंड इज वेरी सैड, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच, पूरा का पूरी प्रेज ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट्स नॉट ट्रू, इट क्या है, ट्रू, ट्रू नहीं है, इट तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट शी, माई फ्रेंड, दिस, ये सारे कॉम्प्लीमेंट हुए इसके। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जो मीनिंग को पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट पूरक होते हैं जो मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। तो नाउन पे